सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अपने बकरी फार्म की बकरियों को तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री रखा तो आप उनसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी का शेड यानी बकरी का जो हाउस होता है वो बकरियों को तनाव मुक्त रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका शेड अच्छा है तो आपकी बकरियाँ तनाव मुक्त रहेगी और जब बकरियाँ तनाव मुक्त रहेगी तो वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो बकरियों का शेड बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बकरियों का शेड कैसे होना चाहिए, उस पर कितना खर्चा आता है, एक बकरी को हमें कितना स्पेस देना चाहिए, इस सभी विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बकरी का शेड कैसे होना चाहिए, इस पर आप ये पहला वीडियो नहीं देख रहे, इसकी मुझे पूरी जानकारी है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे इस विषय पर वीडियो देखे हैं, तो फिर आज अपने 10-15 मिनट इस वीडियो पर क्यों खर्च करोगे? क्या मैं कुछ अलग बताने जाने वाला हूँ इसके बारे में? तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ नई बातें मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि बकरी फार्म पर अमोनिया गैस कैसे उत्पन्न होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा आपके बकरी फार्म पर बायो सिक्योरिटी क्या होती है और हमें और आपको इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ छोटे टिप्स होंगे जो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बकरी पालन पर खर्चा। दोस्तों, अगर आपको बकरी फार्म पालन करना है, बकरी पालन आप करते हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि बकरियों के खाने पर, बकरियों के ब्रीड पर, बकरियों के मेडिसिन पर आप खर्चा कर सकते हैं। सबसे कम आपको कहीं खर्चा करना है तो बकरी के शेड पर करना है, यानी जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करके आपको एक अच्छा शेड बनाना है। बकरी पालन के शेड पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे बकरी पालक देखे हैं जिन्होंने लाखों खर्च किए हैं सिर्फ शेड के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम लागत में आपको बकरी पालन का शेड तैयार करना है। दोस्तों, आपने बहुत सारे शेड के वीडियो देखे होंगे, शेड के फ़ोटोज़ देखे होंगे, कहीं आपने खुद विज़िट करके भी देखा होगा। तो आपने इस तरह का जो शेड है वो बहुत बार फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा होगा कि, और आप भी अगर बकरी पालन में नए हैं तो सोच रहे होंगे कि इस तरह का शेड बनाना चाहिए जिससे मेरी बकरियों को सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिले। लेकिन दोस्तों, ये शेड सिर्फ वही उपयोगी है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब 3-4 महीने में तो कंटिन्यू बारिश है और बीच बाज में भी बारिश होती रहती है, ऐसी जगह पर ऐसे शेड की उपलब्धता है या उपयोगिता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में या राजस्थान या ऐसे जहाँ बारिश वैसे कम होती है ऐसे जगह पे आप रहते हैं तो इस तरह के शेड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शेड तैयार करने में ज़्यादा खर्चा आता है और बकरी पालन में ऐसे शेड की अगर बारिश कम है तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी सलाह, सबसे पहली सलाह यही होगी कि इस तरह का शेड तभी बनाएं अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मसलन आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, आसाम में हैं, या आप महाराष्ट्र में कोंकण रीजन में रहते हैं या केरला में रहते हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है ऐसे शेड ज़रूर बनाएं। लेकिन दूसरे लोगों को ऐसे शेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ज़मीन पर ही शेड बनाकर अच्छा बकरी पालन कर सकते हैं। दूसरी अब बात है कि बकरियों के शेड का जो ज़मीन होती है उसका चयन। अगर आप खेती में, आपका फार्म बड़ा है और वहाँ आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपके फार्म की वो जगह चुनें जो बाजू दूसरी जगह से थोड़ी सी ऊंची हो। आपकी जो बकरी पालन का जो शेड होता है वो थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके शेड की जो आजू बाजू का एरिया है वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर बरसात के सीज़न में वहाँ पानी जमा होता है तो उस जगह को पहले से मिट्टी से भर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके आजू बाजू में कहीं पानी जमा नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात कि आपका जो बकरी फार्म है वो रोड से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जो भी आपका जो बकरियां बेचनी है आपको, तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको आसानी हो, और जो भी आपको फीड लाना है या और कोई चीज़ें बकरी फार्म पे लानी है तो वो लाने में आसानी हो। तो रोड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और थोड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए। दोस्तों, आपका जो बकरी पालन का शेड है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बकरी पालन करते हैं। जनरली हम बकरी पालन के तीन प्रकार देखते हैं। एक होता है इंटेंसिव गोट फार्मिंग, इसका मतलब है हम हमारी बकरियां 2400 घंटे एक जगह पे रखते हैं, वही उनका खाना पीना, उनका घूमना फिरना वही होता है, उनको बाहर नहीं छोड़ते। दूसरी होती है सेमी इंटेंसिव गोट फार्मिंग, जहां हम कुछ देर के लिए अपने फार्म पे बकरियां रखते हैं और दिन का कुछ वक्त उन्हें बाहर चराने के लिए छोड़ते हैं। और तीसरा होता है ओपन ग्रेजिंग मेथड, यहाँ आप बकरियों को दिन भर चराने ले जाते हैं और सिर्फ रात को बकरियों को घर में या आपके शेड में रखते हैं। तो आपका कौन सा बकरी पालन है इस पर डिपेंड करता है कि आपका शेड कैसे होना चाहिए। जैसे अगर आप इंटेंसिव गोट फार्मिंग करते हैं तो फीडिंग, वाटरिंग और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। अगर सेमी इंटेंसिव है तो फीडिंग वाटरिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा उसको आप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ओपन ग्रेजिंग मतलब दिन भर आप चरने छोड़ते हैं तो रात को सिर्फ पानी पिलाए तो भी चलेगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका शेड कैसे होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं फ्लोर की, यानी बकरियों का जो शेड का जो फ्लोर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ज़्यादातर बकरी पालक अपने बकरी फार्म का शेड कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं, और उनका बनाने का एक ही रीज़न होता है कि उसको साफ़ करना आसान होता है। लेकिन साफ़ करना आपको आसान होता है, बकरियों के लिए ये जो सीमेंट कंक्रीट का शेड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, बकरियों को ना पसंद होता है, ना बकरियों को हेल्थ पर्पज़ के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो ये सीमेंट का फ्लोर होता है वो ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंडा होता है, बरसात में जल्दी गीला होता है, और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म होता है। तो बकरी पालन का या बकरियों का जो शेड होता है उसका फ्लोर होता है वो सीमेंट का नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल मिट्टी का होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब गर्मी के दिन हो जाएंगे तो ये फ्लोर आपका थोड़ा सा ठंडा होगा, तो बकरियों को इससे थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा महसूस होगा। अगर बरसात के दिन है तो थोड़ा बहुत पानी अगर अंदर आता है तो वो ज़मीन वो उसको सोख लेगी और सूखी हो जाएगी। ठंड के दिनों में फ्लोर गर्म होता है, इसलिए बकरियों को ठंड के दिनों में भी इससे कंफर्ट मिलता है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो जो आपका फार्म है, जो बकरी का फार्म का जो फ्लोर है उसको मिट्टी का रखें, सीमेंट कंक्रीट का ना बनाएं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सीमेंट कंक्रीट का बनाया है, या आप बस कुछ भी हो सीमेंट कंक्रीट का ही बनाना है ऐसा आपने सोचा है, तो आप जो बकरियों को ठंड से, गर्मी से और बरसात से बचा सकते हैं, उसके लिए आपको पर्दे लगाने पड़ेंगे, गर्मी के दिनों में फ़ैन लगाने पड़ेंगे, इससे भी आप ये सब कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोर आप मिट्टी का रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब अगली बात करेंगे जो बकरी का जो फार्म का डायरेक्शन होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, और साइंटिफिकली ये इसका है कि पूरब से पश्चिम, मतलब बकरी का फार्म ऐसे होना चाहिए जब सूरज पूरब की तरफ उगता है और पश्चिम की तरफ ढलता है, तो दिन भर के जो सूरज की किरणें होती है वो डायरेक्टली आपके फार्म पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया टेम्परेट जोन में आता है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर डायरेक्ट सन आपके फार्म पे चला जाएगा, सनरेज चली जाएगी, तो बकरियों को धूप की परेशानी हो सकती है। इसीलिए फार्म ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली धूप आपके फार्म के अंदर आनी नहीं चाहिए। ये हो गई साइंटिफिक बातें। लेकिन जैसी आपकी आपके पास लैंड अवेलेबल है, जैसी ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, जितना स्पेस अवेलेबल है, उस हिसाब से आप बकरी पालन का शेड बनाइए। इस बातों पे ध्यान तब देख सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन है उसी पे आपको एडजस्ट करना है। तो जैसे हो सके वैसे शेड बनाइए, क्योंकि बकरियों को शेड मतलब किस लिए चाहिए, कि बकरियों को जो एक्सट्रीम वेदर है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, आपको इन सभी से आपकी बकरियाँ बची रहे, खासकर मेमने बचे रहे। दूसरी बात है जो प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब जो परभक्षी होते हैं जैसे कुत्ते, इनको आप इनसे आपकी बकरियों को बचाना है। और तीसरी बात, बकरियों को एक स्ट्रेस लेस यानी
तनाव रहित वातावरण में आपको रखना है। इन तीन चीज़ों के लिए बकरी पालन का शेड होता है, तो वो उसमें धूप आती है नहीं आती है ये नेक्स्ट बातें होती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा जगह हो। लेकिन छोटी जगह है तो बस इन तीन बातों पर ध्यान रखिए, और इन तीन बातों से ज़्यादा ज़मीन हो तो फिर आप उसका सनलाइट कहाँ से आ रहा है, उसका स्पेस रिक्वायरमेंट, इन सब बातों को फिर देख सकते हैं। अब बात करेंगे इनको स्पेस कितना लगता है, स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है। स्पेस रिक्वायरमेंट की बहुत साइंटिफिकली भी बातें होती है, लेकिन स्पेस रिक्वायरमेंट उतनी ही लगेगी जितना आपके पास स्पेस है। तो अगर साइंटिफिकली बात करें तो मेमनों को 0.5 स्क्वायर मीटर एक स्पेस लगता है, बड़ी बकरियों को 1.5 स्क्वायर मीटर लगता है, और जो ब्रीडिंग मेल होते हैं आपके उसको 2 स्क्वायर मीटर जगह लगती है, और जितनी ये जगह लगती है उससे दुगनी जगह उनको ओपन स्पेस में लगती है। तो ये मोटा मोटी इसका हिसाब है। लेकिन अगर मेमने छोटे हैं तो थोड़ी जगह कम लगती है, और आपका मेल शायद उसको और ज़्यादा लगे। तो मोटा मोटी ये होगा स्पेस का। लेकिन स्पेस से भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके शेड में हर प्रकार के जानवरों के लिए अलग बाड़े यानी अलग कंपार्टमेंट्स होने चाहिए। यानी मेमनों के लिए अलग बाड़ा, बकरियों के लिए अलग बाड़ा, और जो आपका ब्रीडिंग मेल होता है उसके लिए अलग बाड़ा। अगर आपके पास खस्सी बकरे हैं तो उनके लिए भी अलग बाड़ा आप बना सकते हैं। प्रेग्नेंट बकरियों को दूसरी बकरियों के साथ नहीं रखना चाहिए, उनको भी एक अलग जगह रखना चाहिए। तो अभी होता क्या है कि अगर आपके पास मेमने हैं तो आप मेमनों को, अगर छोटा फार्म है तो एक साथ रखिए, लेकिन अगर आपका फार्म बड़ा है तो याद रखिए कभी भी 20 से ज़्यादा ना मेमने ना बकरियाँ ना खस्सी बकरे एक साथ रखने चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा मेमने आपके पास है तो आपको दो बाड़े बनाने पड़ेंगे, अगर 20 से ज़्यादा बकरियाँ हैं तो दो बाड़े उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे। यानी 20 से ज़्यादा एक कंपार्टमेंट में जानवर आपको नहीं रखने हैं। दोस्तों इसके अलावा मेमनों में खास आपको बाड़े की उनकी सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी मेमनों को सर्दी का, गर्मी का और बरसात का ज़्यादा उनको नुकसान होता है, उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इनको ज़्यादा बचाने की आपको कोशिश करनी पड़ेंगी। जो छोटे मेमने होते हैं मतलब 0 डे से लेकर 3 महीने तक जो मेमने हैं उनके शेड में आपको अलग से बल्ब या अलग से गर्मी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उनसे उनको सर्दी से बचाया जा सके। वैसे 0 डे से लेकर 3 महीने तक के जो मेमने हैं उनको, अगर बड़ा फार्म है तो उनको अलग रखें। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के मेमने उनको अलग रखें। 6 महीने से लेकर 9 महीने तक मेमनों को अलग रखें, और फिर तो वो वयस्क हो जाते हैं, उस तरह से उनको अलग अलग बाड़े में आप रख सकते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, जब मेमने छोटे होते हैं मतलब 0 डे से लेकर 3 महीने तक उनको साथ में रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद नर मेमने और मादा मेमने उनको आपको अलग रखना है, उनको साथ में नहीं रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब नर जो ब्रीडिंग के लिए आपने मेल रखा है उसके बारे में बात करेंगे। उन जो ब्रीडिंग का मेल होता है उसका बाड़ा इस तरह से होना चाहिए कि उसको फार्म की सारी बकरियां दिखनी चाहिए, और उन सारी बकरियों को आपका ब्रीडिंग का मेल दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बकरियाँ हीट पर आने में प्रॉब्लम हो सकता है और ब्रीडिंग के लिए भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब बात करेंगे आपके फार्म पर पानी और चारे की व्यवस्था की। फार्म का जो पानी होता है उसकी व्यवस्था आपको ओपन स्पेस में भी करनी है, आपके क्लोज स्पेस में भी करनी है। और जहां आप पानी की व्यवस्था करते हैं वहां एक बात याद रखिए कि वहां धूप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर पानी गर्म है तो बकरियाँ पानी कम पिएगी। सर्दी के दिनों में और ठंडी के दिनों में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन गर्मी के दिनों में अगर बकरियां पानी कम पीती है तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपका पानी छांव में होना चाहिए, धूप में नहीं। इसके अलावा अगर आप जो पानी का कंटेनर रखते हैं अगर वो सीमेंट का है तो उस पर आप जो चूना होता है उससे एक उसका स्प्रे कर सकते हैं या उस पर एक लेयर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पानी में जो फंगल या अल्गी ग्रो करती है वो नहीं होगी। ये जो चूना होता है ये कैल्शियम का सोर्स तो होता है, उसके साथ साथ ही ये एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए आपका पानी भी निर्जंतुक होता है, उसमें बैक्टीरिया कम से कम होते हैं। इसलिए जो भी पानी आप जो भी मतलब सीमेंट का हो या प्लास्टिक का जो भी ड्रम है उसको आप एक बार चूने से पेंट कर लीजिए, इसका आपको डबल फ़ायदा होगा। अब बात फीडर की, यानी जो फीडिंग ट्रे होती है,
हाँ, पानी की एक बात और बतानी भूल गए हमें कि पानी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिस जहाँ बकरी का मुंह तो चला जाए लेकिन बकरियों के पैर अंदर नहीं जाने चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, बकरियों के जो पैर होते हैं उस पर उनका मल चिपका होता है और वही मल अगर पानी में चला जाए तो उसके साथ जो डी पेट के कीड़े होते हैं उसके अंडे उसमें चले जाएंगे, तो दूसरी बकरी जब पानी पिएगी तो वो अंडे उसके पेट में चले जाएगी, तो फिर उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको इस ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बकरियां वहां पाँव ना डाले। फीडिंग सिस्टम में भी यही है कि आपका जो फीडिंग फीडर है जहां आप बकरियों को चारा डालते हैं वहां बकरियों का पैर नहीं जाना चाहिए, वहां बकरियां खुद जाके नहीं बैठनी चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे रॉड है उससे सिर्फ बकरियों का मुँह अंदर जाएगा, बकरी डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाएगी। इस तरह से हम बकरियों का चारा और बकरियों का मल दूर रख सकते हैं और जो डी जो वर्म की वर्म लोड की समस्या होती है बकरियों में उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका फार्म आपके खेत में है तो जितना हो सके फार्म के जो बाजू में कंपाउंड होता है उसके बाजू में पेड़ लगाएं। पेड़ ऐसे लगाएं कि जिसकी पत्तियां बकरियां खाते हैं और बकरियों को उसकी छांव भी मिलनी चाहिए, आपका दोनों काम हो जाएगा। बकरियों को पेड़ की पत्तियाँ बहुत पसंद होती है तो बकरियों को पत्तियाँ भी मिल जाएगी और बकरियों को आपके पेड़ की छांव भी मिल जाएगी, तो कंपाउंड में पेड़ लगाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बकरी फार्म में अमोनिया गैस की प्रॉब्लम की। दोस्तों, अगर आपके फार्म का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, यानी जो हवा अच्छी फ्रेश हवा अंदर आए और जो फार्म की गर्म हवा है वो बाहर जाए, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो आपके फार्म पे अमोनिया गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। अमोनिया गैस कहाँ से आती है? जो बकरियाँ पेशाब करती है, जो मलमूत्र होता है उससे अमोनिया गैस क्रिएट होती है और ये अमोनिया गैस एक्चुअली हेवी होती है, मतलब ज़्यादा उसका वज़न होता है, तो वो फ्लोर पे ही रहती है, ऊपर नहीं आती। जैसे गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, उसी तरह से अमोनिया भी ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे रहती है। अब ये जो नीचे अमोनिया की लेयर है वो बकरियों के सांस में चली जाती है और अमोनिया बकरियों के या किसी भी जानवर के लिए हानिकारक होता है। जितना अमोनिया बकरियों के शरीर में चला जाएगा बकरियों को निमोनिया हो सकता है और फिर दूसरा इन्फेक्शन बकरियां कैच कर लेती है, बकरियां कमज़ोर बनती है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप बकरी फार्म पे चले जाए खड़े रहे तो आपको अमोनिया का उतना ज़्यादा बास नहीं आएगा, लेकिन आप अगर फार्म पे बैठ जाए तो आपको अमोनिया का ज़्यादा उसका स्मेल आएगा, गंध आएगा, लेकिन अगर आप फार्म पे लेट जाए तो आप सांस नहीं ले पाओगे, इतना ज़्यादा अमोनिया होता है। और याद रखिए, बकरियों का सर तो नीचे ही होता है, यानी आप जहाँ सो रहे हैं जब आपका मुंह वहाँ नीचे जाता है, बकरियों का मुंह नेचुरली भी उतना नीचे होता है, तो बकरियाँ कंटिन्यू अमोनिया उनके सांस में चले जाते हैं। तो ये अमोनिया कम करने के लिए हमें हमारे जो शेड है उसका वेंटिलेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो शेड को कंटिन्यू धोते रहिए तो अमोनिया नहीं रहेगा और आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी, लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा आप कर सकते हैं कि आपके फार्म की जो साइड वॉल्स होते हैं, जो साइड की दीवारें होती है, उसको कम से कम हाइट दीजिए, उसके बाद आप उसको एक अपना जो लोहे के ये रहते हैं उसका जाली लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे से हवा आ जाएगी तो हवा क्लियर कर देगी और अमोनिया बाहर चला जाएगा। तो वेंटिलेशन प्रॉपर रखना ज़रूरी है वरना अमोनिया गैस का प्रॉब्लम आपके फार्म पे हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे फार्म पर बायो सिक्योरिटी की। दोस्तों, बायो सिक्योरिटी मतलब क्या? दोस्तों, आपके फार्म पे जो इन्फेक्शन फार्म में ऑलरेडी है उसको छोड़कर बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है उसको रोकने का तरीका, यानी फार्म की बायो सिक्योरिटी। फार्म पे इन्फेक्शन दो जगह से आ सकता है, या तो आपसे, आपके जो भी विजिटर है फार्म पे, यानी आपके दोस्त है कोई विजिट करना चाहता है आप पे फार्म पे, उन सब से जो उनके पैरों से आता है वो एक इन्फेक्शन, और दूसरे प्राणी, मतलब आप नए बकरियां खरीद लाते हैं उनसे आने वाला इन्फेक्शन। तो आप इन दो इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला इन्फेक्शन है जो हमसे आता है, तो आप क्या कीजिए, आपका जो फार्म का गेट है उस पर एक छोटा सा गड्ढा बना दीजिए, उसमें चूना डाल दीजिए। जब भी आप फार्म पे आएंगे तो पहले वहाँ जाएंगे, उस पे आप पैर रखेंगे और थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि चूना एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आपके पैर पर जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो मार देगा और फार्म के में इन्फेक्शन कम आएगा।
अब जो नए आप बकरियां लाने वाले फार्म पे, उससे कैसे बचे? तो आप उसके लिए आपको उसको एक अलग शेड बनाना पड़ेगा, उसको हम क्वारंटाइन होम कहते हैं। क्वारंटाइन क्या होता है, आज आप कोरोना की वजह से सभी जानते हैं। तो क्वारंटाइन उनको अलग रखना है, अलग कितने दिन रखना है, 15 से 20 दिन तक तो उनको अलग रखना है। तो जैसे ही नई बकरियां आ जाएंगी आप उसको वहां रखेंगे, वहां उनकी सारी सुविधा खाने के पीने के होगी, लेकिन दोनों बकरियों को साथ में नहीं रखने का। और वहां पहले उनको डीवर्मिंग करना है, और जो भी उनके बॉडी पर एक्टो पैरासाइट है, जो बाह्य परजीवी है, उनको ट्रीटमेंट करके उनको हटाना है। उससे क्या होगा, जो फार्म की जो बाह्य परजीवी जो गलती से आने वाले हैं आपके फार्म पे, वो वहीं मर जाएंगे। पेट के जो कीड़े हैं वो भी वहीं मर जाएंगे। 15-20 दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हेल्दी बकरी है या बीमार पड़ती है। अगर उसमें कोई बीमार होती है तो उसकी ट्रीटमेंट करवा ले डॉक्टर से, उसको ठीक कर ले, और फिर आखिरी में उनको आपके बकरियों के साथ मिक्स कर सकते हैं। इससे आपके फार्म पर बाहर से आने वाला इन्फेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कहते हैं बायोसिक्योरिटी। दोस्तों, बायोसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना। दोस्तों, अगर आप शहर में बकरी पालन करते हैं तो जो भी अवेलेबल आपके पास जगह है उसमें आप बकरियां रख सकते हैं। याद रखिए, हमारे बकरी पालन में शेड के 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक तो उनको जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इससे बचाना है। जो प्रीडेटर्स होते हैं, परभक्षी, उनसे उनको बचाना है, और उनको एक तनाव रहित वातावरण देना है जहां वो अच्छे से बैठ सके, खाना खा सके, पानी पी सके। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी शेड का साइज़ क्या होना चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ज़मीन पर होना चाहिए, ये अगली बातें हैं। तो इन पर ज़्यादा ध्यान शुरुआत में मत दीजिए, पहले उनको इन तीन चीज़ों के लिए आप बकरी पालन का शेड बनाइए। जैसे जैसे आप बकरी पालन बड़ा करते हैं, आपको भी इस बात में ज़्यादा समझ में आ जाएगी, और फिर आप बकरी पालन में अच्छा शेड, एकदम साइंटिफिक शेड, हर चीज़ बना सकते हैं। तो शुरुआत में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में सिर्फ आप बकरियों को बचाने के लिए शेड बनाइए। जब आप बकरी पालन से मुनाफा कमाना शुरू करें, उसके बाद आप बड़ा बकरी फार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बकरी फार्म जो पालन में शेड का जो इम्पोर्टेंस होता है, या शेड कैसा होना चाहिए, इस पर एक छोटा सा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई अगर मुझसे बात छूट गई हो या मैंने गलत बोल दी हो तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी मेरी गलती समझ सकूँ और 4 लोग इसको पढ़ के वो भी समझ सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो की अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।